अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कमाल की सेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप इस सेटिंग की मदद से मिनटों सेकंडों में मैसेज कर सकते हैं। बस एक लफ्ज़ लिखिए साथ ही मैसेज, एक लफ्ज़ लिखिए साथ ही। मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूँ, फिर आपको वीडियो शुरू करूँगा। फिर आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, अगर पसंद नहीं आएगी तो आप स्किप कर सकती हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये डेमो देखिए। दोस्तों ये देख सकते हैं, मैंने अपनी ये फोटो मैसेज निकाल ली है। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ हाउ आर यू, एच लिखूंगा। देखिए हाउ आर यू आ गया, मैं सेंड कर दिया। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ क्या हो रहा है, मैं के लिखूंगा। दोस्तों ये देखिएगा, मैं यहाँ पे के लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ वाली के लिखा, क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। मैं लिखना चाह रहा हूँ आई लव यू, यहाँ पे आई लिखूंगा, आई लव यू पे क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों, मैंने सेंड कर दिया। मैं वन वन क्लिक में दोस्तों हर चीज़ सेंड कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन पर क्लिक करके मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप माई टेक्निकल सॉल्यूशन पर पहली बार आए हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसको काला कर दीजिए, और साथ दिए गए घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ये कीबोर्ड है जिसका नाम है जी बोर्ड, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अब उसको छोड़े, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ प्ले स्टोर से। दोस्तों यहाँ पे जी बोर्ड लिखेंगे, मैं आपको फिर कहेंगे भैया मुझे समझ नहीं लगी, यहाँ पे जी बोर्ड लिखें। जैसे आप जी बोर्ड लिखेंगे गूगल कीबोर्ड आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप, इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो सैमसंग में ये पहले से ही मौजूद होता है। दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन मिल रही होगी यहाँ पे डिक्शनरी की, सर्च के ऊपर ऑप्शन मिल रही है डिक्शनरी की, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद पर्सनल डिक्शनरी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये पर्सनल डिक्शनरी ऐड करनी होगी। दोस्तों ऐड पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ अपना ईमेल, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेख। ये देखें यहाँ पे मैंने पहले से ये देखें बना हुआ, ये देखें ये आ गया मेरा ईमेल। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ कि क्यों कौन सा लफ्ज़ दबाऊँ तो ये पूरा ईमेल है, मैं ऐसे दबाऊँगा तो ये पूरा ईमेल आ जाएगा, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। अब मैं एक और आपको दिखाने के लिए एक और कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आई एम कमिंग, ये देखिए आई एम कमिंग लिख देता हूँ। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे आई एम कमिंग लिखा, सॉरी आई एम कमिंग, ये देखें दोस्तों आई एम कमिंग लिखा, और यहाँ पे मैं क्या डालूँगा, आई से मैंने वो आई लव यू लिखा हुआ, तो चले मैं ऐसे इसको भी कर देता हूँ और ये सेव कर दूंगा। ना देखिएगा दोस्तों क्या होता है, एक है था हमने कि एस से और एच से। अब मैं बैक आता हूँ, व्हाट्सएप पे आता हूँ, ये देखिए मैं व्हाट्सएप पे आ चुका हूँ। ना मैं यहाँ पे आई लिखूंगा, ये देखिए अब आई एम कमिंग आ रहा है, आई एम कमिंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेंड कर दिया। जब फिर मैंने एस लिखा था, जैसे एस लिखा ये देखिए वो ईमेल आ गया, मैंने सेंड कर दिया। दोस्तों आप वन क्लिक पे अपने मर्जी से वहाँ पे डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं, वन क्लिक पे किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।